नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मम्मा एंड बेबी पर। दोस्तों, बहुत सारी महिलाओं का मेरे पास कमेंट आता है, हमारे बेबी ने हेड डाउन नहीं किया है, बेबी का सर अभी तक नीचे नहीं आया है, यानी कि सेफेलिक पोजीशन में नहीं आया है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि आपका बच्चा हेड डाउन तो कर लेता है, लेकिन क्या होता है कि समय से आपको लेबर पेन स्टार्ट नहीं होता, आपका सर्वेक्स ओपन नहीं होता है, यानी कि बच्चेदानी का मुंह नहीं खुल पाता है। तो इसके लिए आप क्या उपाय कर सकते हैं ताकि आपको समय पर लेबर पेन स्टार्ट हो जाए, इसके अलावा आपका सर्वेक्स भी ओपन होने लग जाए। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सब बातों के बारे में जानेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करेंगे उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बेबी हेड डाउन ना करने के बहुत सारे रीज़न होते हैं, इस बारे में हम इस वीडियो में बात नहीं करेंगे क्योंकि मेरी वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी बन जाती है, फिर आप लोग बोलते हो कि वीडियो लंबा बना दिया। तो इसलिए हम केवल यह जानेंगे कि हेड डाउन नहीं होने के बाद आपको क्या करना चाहिए। तो नॉर्मली यह तो आपको पता ही होगा कि बेबी 34 वीक तक जो है हेड डाउन पोजीशन में आ जाते हैं, यानी कि सेफेलिक पोजीशन में आ जाते हैं। और दोस्तों, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कि डिलीवरी से जस्ट पहले भी हेड डाउन पोजीशन में आ जाते हैं, ठीक है। तो यदि आपका अल्ट्रासाउंड 34 वीक में हुआ है, उसमें आ रहा है कि आपके बेबी ने हेड डाउन नहीं किया है, तो आप दोबारा अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं 36, 37, 38 किसी भी वीक में, और उसमें आपको दोबारा पता चल सकता है कि आपके बच्चे ने हेड डाउन अभी तक किया है या फिर नहीं किया है। अगर 38वें सप्ताह तक भी आपका बच्चा हेड डाउन नहीं करता है तो फिर उसके बाद नॉर्मली डॉक्टर आपको ऑपरेशन के लिए बोल ही देते हैं। तो मान लीजिए कि आपने 8वें महीने में या फिर 9वें महीने के स्टार्टिंग में अल्ट्रासाउंड करवा लिया है और उसमें यह आ रहा है कि आपके बच्चे ने हेड डाउन नहीं किया है, तो इसके बाद आप क्या कर सकती हैं। तो मैं आपको कुछ उपाय बताऊंगी, कुछ सलाह दूंगी। हो सकता है कि आपका बच्चा नीचे भी आ जाए, और यदि आपका बच्चा नीचे आ गया है और आपको लेबर पेन स्टार्ट नहीं हो रहा है, आपका सर्वेक्स ओपन नहीं हो रहा है, तो हो सकता है कि उसमें भी आपको हेल्प मिल जाए। और ज़रूरी नहीं है कि जो मैं आपको बताऊंगी उससे 100% ही आपका बच्चा हेड डाउन पोजीशन में आ जाएगा, लेकिन कोशिश करने में क्या दिक्कत है कि नहीं। तो दोस्तों, इसके लिए आप सबसे पहले क्या कर सकते हो, आप सीडीओ का प्रयोग कर सकते हो, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि सीडीओ का प्रयोग करने से बेबी सेफेलिक पोजीशन में आता है। इसके अलावा क्या होता है कि इससे आपका सर्वेक्स भी ओपन होने लग जाता है, यानी कि आपके नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आप कोशिश करें कि आप 8वें महीने से या फिर 9वें महीने से सीडीओ का प्रयोग जरूर करें। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप 10-10 मंजिलें चढ़ेंगी, आप 2 मंजिल ऊपर चढ़िए, नीचे आइए, इतना बहुत है। इससे भी आपका बच्चा सेफेलिक पोजीशन में आता है और आपकी नॉर्मल डिलीवरी में भी मदद मिलती है। लेकिन दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिए कि जब आप सीढ़ियों पर ऊपर चढ़ रही हैं, नीचे उतर रही हैं, तो आपके साथ कोई ना कोई होना चाहिए, क्योंकि इस समय आपका पेट काफ़ी बड़ा हो जाता है और आपके साथ कोई रहेगा तो आपकी हेल्प करा देगा, आप उनके सहारे से जो है ऊपर नीचे आराम से कर लेंगे। तो इस बात का खास ध्यान रखिए, आपके बच्चे ने हेड डाउन कर लिया है तब भी करें, क्योंकि इससे आपको रियली में बहुत फ़ायदा मिलता है और मुझे भी मिला था। तो पहला तो आपको ये करना है, दूसरा आपको क्या करना है, आपको टहलना है, क्योंकि दोस्तों ऐसा माना जाता है कि टहलने से जो है आपका बेबी हेड डाउन पोजिशन में आता है। तो आप नियम बना लीजिए कि आप सुबह शाम जरूर टहलेंगी। अगर आप पहले से टहल रही हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप नहीं टहल रहे हैं तो टहलना स्टार्ट कर दीजिए। हो सकता है कि आप पहले बहुत कम टहल रही हों, तो इस समय कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टहलें। पूरे एक दिन में कम से कम आप 1 घंटा टहलें, आधा घंटा शाम में टहलें, आधा घंटा सुबह टहलें, इससे भी आपका बच्चा हेड डाउन पोजीशन में आता है। इसके अलावा क्या होता है कि इससे आपका सर्वेक्स भी ओपन होता है, इससे आपका जो नीचे का मसल्स होता है, पेल्विक एरिया होता है, वहाँ का जो मसल्स होता है वो मजबूत बनता है, स्ट्रांग बनता है, और इसके अलावा लचीला बनता है। तो इससे आपकी नॉर्मल डिलीवरी में बहुत हेल्प होती है। इसके अलावा दोस्तों, क्या होता है जब आप टहलते हो और मान लीजिए कि आपके बच्चे ने सर नीचे भी कर रखा है, तो इससे क्या होता है कि आपके बच्चे के सर से आपके सर्वेक्स पे यानी कि बच्चेदानी पे दबाव बनता है, जिससे कि आपका बच्चेदानी खुलने लग जाता है। तो इससे आपको दोनों फायदे मिलते हैं, एक तो आपका सर्वेक्स भी खुलने लग जाता है, आपके मसल्स मजबूत बनते हैं, और यदि बच्चे ने हेड डाउन नहीं किया है तो वह हेड डाउन पोजिशन में भी आने लग जाता है, ठीक है। तो आप ये काम जरूर करें। दोस्तों, इसके अलावा आपको अपने बैठने पर और लेटने पर भी ध्यान देना चाहिए। कई बार बहुत सारी महिलाएं किसी तरीके से बैठ जाती हैं, पैर को ऊपर करके बैठ जाती है। मान लीजिए मैं यहाँ बैठी हूँ तो मैं अपने पैर को ऊपर उठा दूँ, तो ऐसी गलती आपको प्रेगनेंसी में नहीं करनी है। आपको बिल्कुल सीधे होकर बैठना है, एक तो इससे आपको पीठ दर्द में आराम मिलता है, और दूसरी बात ये होती है कि जब आप सीधे होकर बैठते हो आपका पेट नहीं दबता है,
तो इससे आपका बेबी हेड डाउन पोजीशन में भी आता है। मान लीजिए कि आप झुक के बैठते हो और इस तरीके से बैठते हो कि आपका जो घुटना है वो आपके हिप्स से ऊपर जा रहा है, तो इससे क्या होता है कि बच्चे को घूमने का मौका ही नहीं मिलता है और आपका बच्चा हेड डाउन पोजीशन में आ ही नहीं पाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों, बहुत सारी महिलाओं को सीधे सोने की आदत होती है, तो आपको ये गलती भी नहीं करनी है। अगर आप चाहती हैं कि आपका बच्चा अच्छे से मूवमेंट करता रहे, आपका बच्चा हेड डाउन पोजीशन में आ जाए, तो इसके लिए आपको हमेशा बाईं करवट सोना है, बाईं यानी कि लेफ्ट करवट सोना है, लेफ्ट साइड सोना है। एक तो इससे आपके बच्चे की मूवमेंट बहुत अच्छे से होती है और इससे आपके शरीर में, आपके बच्चे के शरीर में रक्त का संचार अच्छे से होता है, यानी कि ब्लड फ्लो बहुत अच्छे से होता है, जिससे कि आपका बच्चा गतिशील बनता है, अच्छे से मूवमेंट करता है और इससे आपके बेबी को हेड डाउन पोजीशन में आने में भी हेल्प मिलती है। इसलिए कोशिश करें कि आप लेफ्ट साइड ही सोइए, इससे आपका बेबी हेड डाउन पोजीशन में आने लग जाता है। इसके अलावा एक एक्सरसाइज बॉल आता है, आप चाहें तो आप वो ला सकती हैं, आप उसके सहारे बैठ सकती हैं। इसे भी माना जाता है कि बेबी हेड डाउन पोजीशन में आता है। मान लीजिए कि आप टीवी देख रहे हैं, तो आप क्या करो, आधा तो आप एक्सरसाइज बॉल पे लेट जाइए और आधा आप धरती पे लेट जाइए, इससे भी बेबी को हेड डाउन पोजीशन में आने में हेल्प मिलती है। ठीक है, पिक्चर आपको दिख रहा होगा, तो आपको इस तरीके से बैठना होता है, इससे भी आपके बेबी को हेड डाउन पोजीशन में आने में हेल्प मिलती है। दोस्तों, इसके अलावा भी कुछ एक्सरसाइज होते हैं जिससे कि आपका बेबी हेड डाउन पोजीशन में आने लग जाता है। मैं आपको बता देती हूँ कि आपको क्या करना होगा। इसके लिए आप क्या कर सकती हैं, अपने दोनों हाथ और दोनों पैरों को जमीन पर टिकाकर क्रोलिंग की पोजीशन में थोड़ी देर के लिए रह सकती हैं। ये आप रोजाना कुछ समय के लिए जरूर करें, इससे भी बेबी को हेड डाउन पोजीशन में आने में मदद मिलती है। दोस्तों, आपके लिए कौन सा एक्सरसाइज अच्छा रहेगा यह आपके डॉक्टर ही अच्छे से बता पाएंगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं करके दिखाओ, तो दोस्तों देखिए, सभी की प्रेगनेंसी अलग होती है, तो मैं ऐसा रिस्क नहीं लूंगी कि मैं आपको एक्सरसाइज करके बताऊं और कोई प्रॉब्लम हो जाए तो फिर आप कहोगे कि आपने ऐसा कहा था। इसलिए मैं आपसे बोलती हूँ कि आप अपने डॉक्टर के संपर्क में रहें, क्योंकि प्रेगनेंसी बहुत ही सेंसिटिव सिचुएशन होता है, तो इसमें मैं आपको ऐसा कुछ भी नहीं बताऊंगी जिससे कि आपको प्रॉब्लम हो, तो आप खुद ही समझदार हैं। आप अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह मशवरा करें ताकि आपके दिमाग में कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। दोस्तों, इसके अलावा क्या होता है कि मान लीजिए कि आपका बेबी हेड डाउन पोजिशन में नहीं आया है, डॉक्टर आपको प्रोफेशनल कायरोप्रैक्टर से मिलने की सलाह दे सकते हैं, जो कि आपके बेबी को हेड डाउन पोजीशन में लाने में हेल्प कर सकते हैं। दोस्तों, पुराने ज़माने में बहुत सारी दाई होती थी जो कि अपने हाथों के सहारे से जो है बाहर से दबाव देकर किसी तरीके से जो है बच्चे को हेड डाउन पोजीशन में ले आते थे, और बहुत सारे डॉक्टर भी ऐसे हैं आज के टाइम में जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं, जो कि अपने हाथों के सहारे से ही बच्चों को हेड डाउन पोजीशन में ले आते हैं। तो इस बारे में भी आप अपने डॉक्टर से बात कर सकती हैं कि बहुत बार हाथों के सहारे से भी बेबी नीचे आ जाता है, तो इस बारे में आपका क्या विचार है, तो आपके डॉक्टर आपको कुछ ना कुछ बताएंगे ही। दोस्तों, इसके अलावा माना जाता है कि यदि आप बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं तो इससे भी आपका बेबी बहुत जल्दी हेड डाउन पोजीशन में आ जाता है, और अगर आपका बेबी हेड डाउन पोजीशन में आ गया है तो एक्टिव रहने से आपका सर्वेक्स भी समय पर खुलता है और आपकी नॉर्मल डिलीवरी में भी हेल्प होती है। इसके अलावा दोस्तों, मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि आप उगड़ू अवस्था में बैठ के पोछा लगा सकती हैं, इससे भी बेबी हेड डाउन पोजीशन में आने लग जाता है और आपका नीचे का जो मसल्स होता है वो स्ट्रांग बनता है, लचीला बनता है, और आपके बेबी के सर से जो है आपके सर्वेक्स पे दबाव बनता है जिससे कि आपका सर्वेक्स ओपन होने लग जाता है और आपकी नॉर्मल डिलीवरी में बहुत हेल्प होती है। इसके अलावा दोस्तों, खाने पीने का ध्यान रखिए। बहुत सारी महिला अपने खाने पीने का ध्यान नहीं रखती है, तो आपको ऐसा नहीं करना है, अपने खाने पीने का पूरा ध्यान रखिए। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, 8 से 10 गिलास 12 गिलास तक पानी पीजिए। बहुत सारी महिलाएँ कम पानी पीती हैं, वो ठीक नहीं है, तो पानी अच्छी मात्रा में पीजिए, पौष्टिक चीज़ें खाइए, और इसके ऊपर मैं ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो बना चुकी हूँ, तो आप वो जाके देख सकती हैं, तो वीडियो देख लीजिएगा जिसमें कि आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या क्या खाना चाहिए। बाकी दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि बहुत कोशिश करने के बाद भी, सारी कोशिश करने के बाद भी आपका बेबी हेड डाउन पोजिशन में नहीं आ पाता है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि आपकी सिजेरियन डिलीवरी होती है, तो इस समय आप बिल्कुल टेंशन लेने मत लग जाइएगा। बहुत सारी महिलाओं की सिजेरियन डिलीवरी होती है और आपका बेबी मान लीजिए कि ब्रिज पोजीशन में है, तो सिजेरियन डिलीवरी आपके और आपके बच्चे दोनों की भलाई के लिए किया जाता है। दोस्तों, पुराने ज़माने में कई बार क्या होता था कि बच्चा हेड डाउन पोजीशन में नहीं आ पाता था, जिसकी वजह से कि या तो बच्चे की जान चली जाती थी या फिर माँ की जान चली जाती थी। आपने पुराने ज़माने की बहुत सारी फिल्मों को देखा होगा जिसमें कि बोला जाता था या तो माँ को बचा सकते हैं या फिर बच्चे को, तो ऐसा ही कुछ सिचुएशन आ जाता है जिसमें या तो बेबी को बचाया जा सकता है या फिर माँ को। तो अगर सिजेरियन के द्वारा आप दोनों की जान बच रही है, आप दोनों बिल्कुल सुरक्षित हो, तो क्या दिक्कत है ना।
तो इस बात को दिमाग में रखिए और हमेशा पॉजिटिव रहिए। मैंने बहुत सारी महिला देखी हैं जिनका कि सिजेरियन डिलीवरी हुआ है और वो बिल्कुल स्वस्थ हैं, बिल्कुल हेल्दी हैं, उनका बेबी बहुत अच्छा है, वो बहुत हेल्दी हैं, सब कुछ ठीक है। और यहाँ तक कि उन्होंने जब दूसरी डिलीवरी करी तो वो नॉर्मल करी है, मैंने ऐसी महिला को भी देखा है। तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, केवल अपने बच्चे के बारे में सोचिए, ठीक है? तो आपको बस इसी बात का ध्यान रखना है। तो दोस्तों आई थिंक कि आपको आज का यह वीडियो पसंद आया होगा, आए तो लाइक कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच, नमस्ते।